वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? बस वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। कैसा रहा आपका कल का सेशन, और किस किस ने प्रैक्टिस भी की, और किस किस को कोई इशू वगैरह क्रिएट हुआ था इसमें?
अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप सुनाएं, कैसे हैं सब? आवाज नहीं आ रही मेरी। चलें, ठीक है। प्रैक्टिस किस किस ने की है और सॉफ्टवेयर कौन सा आप लोगों ने इंस्टॉल किया? VS कोड इंस्टॉल हो गया आप लोगों का? फिर उसमें कुछ इशू हो गया तो क्रिएट नहीं हुआ? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक गोहर आप थे ना जिसका इशू आ रहा था, वो आप कह रहे थे कि वो कलरिंग नहीं आई जो आपने कोडिंग की है, तो वो सेट हो गया था बाद में? भी सेट हुआ था अभी तक? वालेकुम अस्सलाम। चलिए ठीक है, अगर ठीक हो गया था तो। क्योंकि हमें पहले .html की एक्सटेंशन से फाइल को क्रिएट करना पड़ता है। अगर हम डायरेक्ट HTML से क्रिएट कर देंगे, टेक्स्ट की फाइल होगी हमारे पास, तो जो हम उसके अंदर लिखेंगे वो तो उसी को शो करवा देगा। अगर हम .html से करेंगे तो फिर ब्राउज़र को भी पता चल जाएगा कि HTML की फाइल है, और VS कोड को भी पता चल जाएगा, तो जिस वजह से हमारी जो कोडिंग होती है वो कलरिंग में आ जाती है।
15 मिनट हो गए, 20 मिनट तक हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आप में से असाइनमेंट किस किसने बनाई है? मुझे ग्रुप में जस्ट एक बंदे की अभी तक असाइनमेंट मिली थी बस। सेशन का मतलब ये तो नहीं है कि जस्ट आपने देखा सेशन में जो कुछ हुआ उसके बाद आपने कोई उसकी प्रैक्टिस वगैरह नहीं की, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है। जी आपकी असाइनमेंट तो मैंने गौर देख ली थी, तो बाकी मैंने किसी के असाइनमेंट ना FB ग्रुप में देखी है ना ही व्हाट्सएप में देखी है। तो जस्ट लेक्चर को अटेंड करना, लेक्चर लेना मकसद नहीं होता, कुछ इससे आउटपुट भी आप लोगों को मिलनी चाहिए। नहीं, आपके असाइनमेंट आपने दिखा दिए, आपने अच्छा वर्क किया, कम से कम आपने प्रैक्टिस तो की है ना, चीज़ों का आपको पता चल गया। आप जस्ट डाउनलोड करें और उसको सी से कट करके किसी और ड्राइव में जाके रख लें, देन आप उसी ड्राइव में उसको इंस्टॉल कर लें। जब हम इंस्टॉल करने लगते हैं तो वहाँ पे ब्राउज़र का ऑप्शन आता है, तो उसके आगे 3 डॉट्स होते हैं, हम वहाँ से पाथ को चेंज कर सकते हैं कि हम किस ड्राइव के अंदर उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम उस ड्राइव में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें हमारे पास मेमोरी होती है। प्रैक्टिस में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे आप आधा घंटा दें जो इधर होता है वो आप इजीली अपनी मतलब
असाइनमेंट वगैरह या प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, साथ साथ चीज़ों को राइट डाउन कर लिया करें कि कौन कौन से टैग यूज़ हुए हैं। चलिए हम सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम HTML और CSS को कवर कर रहे हैं। उसके कल लेक्चर नंबर 1 हुआ था, आज लेक्चर नंबर 2 है। जो हमारे पास इस लेक्चर के टॉपिक्स हैं कि हमने इस लेक्चर में किन किन चीज़ों को कवर करना है, वो हमारे पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि HTML पेज के अंदर हम लिंक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। लिंक्स को ऐड करने के बाद सेकंड नंबर पे हमने जो टॉपिक देखना है वो है इमेजेस, क्योंकि जब हम मतलब कोई भी वेबसाइट देखते हैं, चाहे वो वर्डप्रेस पे बनी हो या वेब डेवलपमेंट पे, उसके अंदर इमेजेस ऐड होती हैं। हमें इमेजेस के जरिए चीज़ों की भी इजीली समझ आ जाती है, तो मतलब हम देखेंगे कि हम इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है लिस्ट, मतलब हम HTML पेज के अंदर लिस्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं, चीज़ों को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। हमने फ्रूट्स के अगर नेम लिखने हैं तो उनको लिस्ट वाइज कैसे कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के नेम लिखने हैं, तो किसी भी टाइप की हम लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आता है कि मतलब जो हमने पैराग्राफ लिखे हैं, हेडिंग लिखी है, हम इनकी फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कुछ को मतलब कलर किया गया होता है, कुछ के नीचे अंडरलाइन होता है और कुछ को बोल्ड किया जाता है, तो ये सारे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाती है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का वो होगा टेबल इन HTML पेज। हम एक टेबल भी क्रिएट करेंगे, वो देखेंगे कि HTML के अंदर वो कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ऐड लिंक्स। ऐड लिंक्स के लिए मैं आपको इसका टैग बता दूं, ये एंकर टैग इसे हम कहते हैं और ये स्टार्ट होता है A से। अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं, देन हम कोडिंग करके देखते हैं कि कोडिंग इसके अंदर कैसी होती है। विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास कोई फोल्डर क्रिएट नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। फोल्डर मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपनी एक वॉल्यूम के अंदर। यहाँ पे मतलब मैं एक न्यू फोल्डर पहले से क्रिएट करता हूँ, फोल्डर का नाम लिख देता हूँ लेक्चर 2 के नेम से। ये मैंने फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया, ये मेरे पास लेक्चर 2 नेम का एक फोल्डर बन गया है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा HTML नेम से, मैं उसको कोई भी नेम लिख दे, मैं उसको भी लेक्चर 2 नेम ही रखता हूँ, उसका lecture2.html। जो भी नेम रखे हो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने साथ HTML की एक्सटेंशन लाजमी यूज़ करनी है। अगर ये एक्सटेंशन यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे VS कोड को ब्राउज़र को पता नहीं चलेगा कि ये HTML है, टेक्स्ट की फाइल है, किस चीज़ की फाइल है। कल मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता रहा था कि एक तो मैंने टाइप करके बताया था कि हम सारा टाइप करते हैं, दूसरा हमारे पास एक शॉर्टकट होता है कि हम शिफ्ट और अगर 1 को प्रेस करें तो हमारे पास एक साइन बन के आता है, उसके साथ अगर हम टैब को प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये सारी कोडिंग खुद ब खुद होके आ जाती है। ये थोड़ा सा मतलब टाइम सेविंग एक प्रोसेस है, मैं अगेन ये करके दिखा देता हूँ। हमने शिफ्ट और 1 को प्रेस करना है तो हमारे पास ये साइन आता है, और इसके साथ जब हम टैब को प्रेस करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट एक कोडिंग बन के आ जाती है। इसके अंदर डॉग टाइप उसने पहले से बता दिया है कि डॉग टाइप हमारे पास किस चीज़ की है, HTML की है। देन उसके अंदर एक चीज़ बताई गई है HTML, ये लैंग EN लिखा हुआ है, लैंग आ गया हमारे पास लैंग्वेज और EN से इंग्लिश। देन हमारे पास ये एक मेटा का टैग लगा हुआ है, ये है मेटा करेक्टर सेट, जो हम मतलब इसके अंदर करेक्टर यूज़ करते हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और एक करेक्टर सेट कौन सा इसके अंदर है, UTF-8, ये हमारे पास एक इंटरनेशनल करेक्टर का सेट है, ये मतलब हर तरह की लैंग्वेज में अप्रोप्रिएट होता है, मतलब इस तरह इसमें हर तरह की कोडिंग हम कर सकते हैं हर किसी की लैंग्वेज के अंदर। देन हमारे पास एक और मेटा का है, इसके अंदर व्यू पोर्ट बताया गया है और जो कंटेंट वगैरह की विड्थ वगैरह सारा कुछ होता है उसके अंदर।
देन हमारे पास टाइटल है, मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ। पहले लिंक्स कर रहे हैं तो बल्कि इसको मैं लेक्चर टू से रख देता हूँ, क्योंकि हमने एक चीज़ कवर नहीं करनी, हमने काफ़ी चीज़ें कवर करनी है इसी के अंदर। लेक्चर टू से मैंने टाइटल रख दिया, देन मैं बॉडी में जाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास था लिंक, कि हमने लिंक कैसे करना है। लिंक्स के लिए मैंने आपको यहाँ पे टैग बताया था कि हम एंकर टैग यूज़ करते हैं और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल ए टाइप करूँगा और एंटर करूँगा तो मेरे पास एंकर टैग बन के आ जाएगा। हमारे पास जो ए टैग है ये लिंक को रिप्रेजेंट करता है, और एच रेफ है ये हमारे पास जो हम यूआरएल देते हैं, जो हम मतलब कोई भी हम लिंक उठा के देते हैं तो वो हमारे पास इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिंक लिखता हूँ, मैं लिंक यहाँ पे लिख देता हूँ https google.in। मैंने यहाँ पे लिंक लिख दिया है google.co.in। अब मैं अगर इसको यहाँ से सेव करके ब्राउज़र पे जाके चेक करूँगा तो कैसे होगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, कॉपी पाथ करूँगा, पाथ के बाद मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, ब्राउज़र में यहाँ पर जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये हमारे पास इसमें कुछ भी शो नहीं किया, क्यों शो नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे उसे अभी तक कोई नेम नहीं दिया कि हम क्या चीज़ मेंशन करना चाह रहे हैं। अब ये जो हमारे पास एक यहाँ पे एंडिंग टैग ये शो हो रहा है, एक ओपनिंग टैग है, हम इसके अंदर लिख देंगे गो टू गूगल, कि हमने एक उसको नेम दे दिया कि आपने ये पेज पे शो कराना है। अब मैं सेव करके जब पेज पे जाऊँगा तो ये देखें, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये हमारे पास गो टू गूगल का एक नेम लिखा आ गया। हम यहाँ पे अगर जो भी नेम लिखेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ और नेम लिख देता हूँ, मैं जस्ट गो का नेम लिख देता हूँ यहाँ पे गो। अब अगर इसको मैं सेव करके ब्राउज़र पे जाऊँगा, इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे पास गो का आ गया है। तो मतलब हम यहाँ पे जो भी नेम लिखेंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो होगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जब मैं क्लिक करूँगा ये गूगल मुझे इसने ओपन कर दिया है, क्योंकि मैंने वहाँ पर गूगल का लिंक लगाया। अब एक चीज़ ये है कि मैं जिस ब्राउज़र में मुझे ये शो हो रहा था लिंक, ये देखिए इस ब्राउज़र में लेक्चर टू वाले में शो हो रहा था, जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसी ने लेक्चर टू वाले ब्राउज़र को ख़त्म करके न्यू टैब बना दिया गूगल के नेम से। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा गूगल ओपन होता है वो न्यू टैब के अंदर ओपन हो, लेक्चर टू वाला टैब वैसे का वैसे रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं वापस VS कोड में जाऊँगा, यहाँ पे एक हमारे पास एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टारगेट के नेम से। टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ किया ब्लैंक, मैं इसको सेव करके ब्राउज़र पे जाके चेक करता हूँ ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है। सेम गो पे जाएंगे, ये देखें अब मेरे पास लेक्चर टू वाला टैब वैसे के वैसे ओपन है, जबकि एक न्यू टैब गूगल का बन गया है। जो लास्ट हमने किया था उसके अंदर क्या था कि लेक्चर टू वाले को चेंज करके वो गूगल के अंदर लेके जा रहा था, लेकिन इधर क्या है कि उसने गूगल का एक न्यू टैब ओपन कर दिया है। तो ये एक मतलब हम इस तरह चेंजिंग कर सकते हैं कि अगर हम उसी टैब के अंदर ओपन करना चाहते हैं, तो मैं इसको अगेन करके दिखा देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, हम ब्राउज़र पे जाते हैं, यहाँ पे जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसने लेक्चर टू वाला टैब ख़त्म करके गूगल का टैब ओपन कर दिया है। तो अगर हम टारगेट यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे तो वो क्या करेगा कि हमारे न्यू ब्राउज़र के अंदर ले जाएगा। ये उसने बल्कि हमें बता भी दिया कि आप ब्लैंक का यूज़ करना चाहते हैं। ये मैं अभी इसके क्लिक करके जाऊंगा तो ये हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो गया, लेक्चर टू वाला टैब हमारे पास होम पेज हमारा वैसे का वैसे है। ये तो था कि एक सिंपल लिंक लगाने का
मेथड के हमने मतलब लिंक को कैसे ऐड करना है। हम इसी तरह मतलब अगर कोई और अपनी HTML बना रहे हैं, कोई और हमारी वेबसाइट बनी हुई है, हम उसका लिंक भी सेम इसी तरह लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ, मैंने जहाँ पे फोल्डर अपना क्रिएट किया था मैं उसके अंदर फोल्डर में जाता हूँ। मैंने लेक्चर टू के नेम से एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर मैंने लेक्चर टू HTML क्रिएट किया था। मैं यहाँ पे एक और HTML की फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं वो क्रिएट कर देता हूँ न्यू के नाम से, new.html। तो ये फोल्डर क्रिएट हो गया, इसको फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करता हूँ लेक्चर टू में, उसका मैं नेम रख देता हूँ वेलकम, welcome.html। ये मेरे पास एक न्यू वेलकम का बन के आ गया। मैं सेम इसी तरह यहाँ पे टाइप नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और वन प्रेस करके साथ में टैप प्रेस कर दूंगा, तो मेरे पास ये कंप्लीट एक उनका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली हमें प्रोवाइड कर देता है। ये भी एक मतलब इसका बेनिफिट होता है हमारे पास VS Code का। मैं यहाँ पे कोई भी हेडिंग दे देता हूँ, बॉडी के अंदर आया, बॉडी मैंने हेडिंग H1 दी, वेलकम पेज दे दिया मैंने इधर भी। अब मैं फोल्डर में जाता हूँ, फोल्डर में देखिए मेरे पास एक वेलकम HTML का एक और क्रिएट होके आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो मैंने इधर एक फाइल बनाई थी लेक्चर टू HTML में, मैं इसमें अपनी उस फाइल को कॉल करना चाहता हूँ जो मैंने वेलकम वाली बनाई है। तो मैं क्या करूँगा, एकदम मैं BR यूज़ कर लूँगा ताकि ये लाइन चेंज हो जाए, डबल BR मैंने यूज़ कर लिया टू लाइनें चेंज करने के लिए। मैं यहाँ पे सेम एंकर टैग लगाता हूँ। अब HREF में क्या करूँगा, मैंने जो नेम रखा था welcome.html वो कर दूंगा welcome.html, और मैं इसका नेम आगे क्या रख देता हूँ, वेलकम ही रख देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं ब्राउजर पे जाके चेक करता हूँ कि हमारे पास क्या शो कर रहा है। इसने एक और लिंक क्रिएट कर दिया है वेलकम का, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ हमने इसको अभी तक सेव नहीं किया था यहाँ से, मैं एक और यहाँ पे फोल्डर न्यू क्रिएट करता हूँ उसके थ्रू हम करके देखते हैं, इसमें शायद कोई इशू वगैरह आ रहा है। इसके अंदर हम सेम उसी तरह ये क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम एक हेडिंग क्रिएट कर लेंगे। हेडिंग के अंदर हम कुछ भी नेम रख लेते हैं वेलकम का। मैंने इसको सेव किया, अब मैं इसको वहाँ पे जाके कॉपी पास्ट करूँगा और मैं जाके चेक करता हूँ इसको कि हमारे पास वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ये हमारे पास इसका वेलकम आ गया है। मैं lecture2 में जाता हूँ फाइल में, यहाँ पे मैं ए टैग यूज करता हूँ। ए टैग में मैं अपनी वही फाइल lecture1.html को यहाँ पे कॉल करता हूँ सेम नेम से।
यहाँ पे उसने मुझे बता भी दिया है, मैं यहाँ पे उसके लेक्चर वन देख लेता हूँ। सेव किया, ये देखें जब मैंने लेक्चर वन के ऊपर क्लिक किया है तो उसने मुझे जो हमारी दूसरी फाइल थी उसको ओपन करके दे दी है वेलकम वाली को। हमने एक अपनी HTML की ये फाइल बनाई हुई थी, ये वाली हमने क्या किया, इसका लिंक जो हमारा लेक्चर टू वाली फाइल थी उसके साथ किया। जब हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो दूसरी वेबसाइट थी, हमारी दूसरा पेज था, वो ओपन होके आ जाएगा। ये तो था कि हमारे पास अगर एक ही फोल्डर के अंदर होता है, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं डॉट स्लैश के साथ। डॉट का मतलब होता है डॉट और स्लैश के मतलब उसी फोल्डर के अंदर ये हमारे पास पड़ा है। इसको सेव करके ब्राउजर पे चेक करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद तो फिर भी हमारे पास ये वही शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम एक और चीज चेक करते हैं, मैं जाता हूँ उस फाइल के अंदर जहाँ पे मैंने दो फोल्डर क्रिएट किए थे। ये मेरे पास लेक्चर वन वाला है, मैं इसको न्यू फोल्डर के अंदर रख देता हूँ। यहाँ से इसको कट करता हूँ, मैं न्यू फोल्डर ओपन किया और इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये वहाँ से क्या हो गया, हमारे पास ख़त्म हो गई है। अब अगर हम इसको यहाँ से सेव करके चेक करते हैं जाकर, तो हमारे पास ये क्या आउटपुट देते हैं हम देखते हैं। वो कह रहा है कि आपकी फाइल को हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि मैंने वहाँ पे इसका फोल्डर क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे बताया था डॉट स्लैश का मतलब है कि उसी फोल्डर के अंदर ये अवेलेबल है, लेकिन अब उस फोल्डर के अंदर नहीं है। अब ये मैंने कौन सा फोल्डर बनाया था, न्यू के नाम से फोल्डर बनाया था, न्यू के फोल्डर में गया, वहाँ पर मैंने अगेन एक स्लैश लगा दी कि अब ये मतलब फ्रंट फोल्डर में जाना है आपने जो हमारा बना हुआ लेक्चर टू के नेम से, देन उसके बाद एक न्यू फोल्डर होगा न्यू के नेम से, उस फोल्डर में जाना है तो हमारे पास लेक्चर वन की एक फाइल पड़ी होगी। मैं इसको सेव करके अब जाके ब्राउजर पे चेक करता हूँ, अब हमारे पास ये शो हो गया है। तो ये तो था कि हमारे पास कि कैसे हम अपनी फाइल को अटैच कर सकते हैं अगर हम उसका फोल्डर वगैरह भी चेंज कर दें तो। मैं एक और मेथड यहाँ पे करता हूँ, देन फिर वो आपको बताता हूँ कि वो हम किस लिए यूज़ करते हैं। मैं अपने लेक्चर वन वाले में जाता हूँ, तो ये तो हमारा ठीक है, लेक्चर वन में गया, यहाँ पे मैंने एक एंकर टैग बनाया। इस एंकर टैग के थ्रू अब मैं बैक जाना चाहता हूँ कि मैं अपनी, अब मैं इसको सेव करूँगा, ये जो हमारे पास है डबल डॉट मैंने यहाँ पे लगाया स्लैश, हमारे पास index.html नहीं है, हमारे पास lecture 2 html है। lecture2.html और यहाँ पे मैं कुछ भी इसको नाम दे देता हूँ, नाम में दे देता हूँ इंडेक्स का। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से, इसका पाथ कॉपी करते हैं हम, इसको ब्राउजर में जाके जब चेक करेंगे, ये तो हमारे पास लेक्चर टू था, हम लेक्चर वन वाला अब यहाँ पे पेस्ट करने लगे हैं। तो हमारे पास ये इंडेक्स बन गया, हम जब इंडेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे ये एक दफा फिर एक्सेस नहीं कर रहे, इसको अगेन चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले सेव करना पड़ेगा, हम इसको जाके चेक करते हैं एक दफा हमारे पास क्या चेंजिंग आ रही है। यदि कोई इशू आ रहा है, अगर आप इस तरह करेंगे तो ये सेम आपकी तरफ शो हो जाएगा, मैंने पहले करके देखा था शायद इसलिए ये मेरी तरफ शो नहीं कर रहा। तो ये तो था कि मतलब हम एक फोल्डर से अगर किसी फाइल को हमने पिक करना है या उसको
एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक आता है वो है कि ऐड इमेजेस, कि हम इमेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास मैंने लिखा है कि इमेज का टैग यूज़ करते हैं। मैं सारे को यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे आपने जस्ट इमेज टाइप करना है और जब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इमेज का टैग क्रिएट कर देगा। इसमें हमारे पास ये एस आर सी दिया हुआ है। एस आर सी रिप्रेजेंट कर रहा होता है सोर्स को, ऊपर लिखा भी हुआ है इमेज यू आर एल, मतलब जो भी हमारे पास इमेज का यू आर एल होगा उसको ये शो कर रहा होगा। मेरे पास एक डेस्कटॉप पे पिक्चर पड़ी है, हम उसी को यहाँ पे एक्सेस करने की ट्राई करते हैं कि होती है या नहीं होती। ये मेरे पास पिक्चर है, इसका नेम है, मैं इसी का पाथ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सेव। सेव करने के बाद जब मैं जाके इसको सॉरी पाथ कॉपी करना था, इसको ब्राउजर में जाके चेक करते हैं। मैंने वहां पे आर्ट नहीं लिखा था तो हमारे पास पिक्चर भी शो नहीं हुई। आर्ट होता है कि मतलब हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि हमारे पिक्चर किस बारे में, ये देना हमारे लिए मतलब कंपलसरी होता है। अब यहाँ पे मैं कोई भी आर्ट दे देता हूँ, दिस इज पिक्चर सिंपल लिख देता हूँ शो करवाने के लिए। अभी ये हमारे पास जो पिक्चर थी वो नॉट फाउंड है, इसीलिए इसकी ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अगर हमारे पास पिक्चर फाउंड होती तो पिक्चर आ जानी थी। हमने जो आर्ट में लिखा है तो मतलब आर्ट का क्या हमारे पास होता है बेनिफिट, कि जो मतलब हमारे पास पिक्चर कभी शो नहीं होती, हमारी पिक्चर इंटरप्ट हो जाती है तो हमने आर्ट के अंदर लिखो तो वो हमारे पास शो कर देता है। तो मतलब इस तरह हम पिक्चर का बिल्कुल पाथ एक्यूरेट करके उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा हम ऑनलाइन भी पिक्चर्स को पिक कर सकते हैं, उनके लिंक को। और पिक्चर्स कहाँ से लेनी है, क्योंकि अक्सर हम वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो हमारे पास उस पर कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है, या यूट्यूब के अंदर हम पिक्चर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे भी कॉपीराइट क्लेम आया। तो हमारे पास कुछ फ्री वेबसाइट्स हैं, एक तो हमारे पास पिक्सल्स के नाम से है, यहाँ से हमें फ्री पिक्चर मिल जाती है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल फ्री इमेज होती है, लिखा भी हुआ है फ्री स्टॉक फोटोज़। तो यहाँ से भी मतलब आप लोग पिक्चर्स अपनी पिक कर सकते हैं किसी भी टाइप की। एक ही हमारे पास पिक्सल्स है, दूसरी हमारे पास अनसप्लैश है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और चीज़ भी आपको मैं करके दिखाता हूँ, अनसप्लैश है, इससे भी आप अपनी फ्री पिक्चर्स इजीली पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ ट्राई करते हैं, अनसप्लैश तो मैंने लिखा था, मैं यहाँ पे सोर्स लिखता हूँ, सोर्स अनसप्लैश डॉट कॉम। जब मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं अपने वीएस कोड में जाके यहाँ पे इमेज का मैंने एक आया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मतलब कुछ भी आर्ट दे देता हूँ, मैं नेचर लिख देता हूँ यहाँ पे, सेव करता हूँ। ये हमारा डॉक्यूमेंट था, इसकी पिक्चर भी शो नहीं कर रही। ये देखें, ये हमारे पास पिक्चर शो होके आ गई है। अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास पिक्चर चेंज हो जाएगी, ये हमने रैंडम उठाया था। ये देखें यहाँ पे मेंशन है, ये रैंडम लिखा हुआ, तो मतलब हम जब जितनी बार इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ से इमेज चेंज होती जाएगी।
यहाँ पे और इमेज आ रही है। मतलब ये भी हमारे पास एक सोर्स होता है कि हम अगर रैंडम इमेजेस अपनी वेबसाइट में लगाना चाहते हैं तो हम इससे इस लिंक के थ्रू भी लगा सकते हैं। आई थिंक ये भी, इसका भी यही इशू था, इसका पाथ रॉन्ग है। तो इस तरह करके मतलब हम अपनी पिक्चर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इमेज टैग के जरिए। हम इनके साइज वगैरह को भी सेट कर सकते हैं, वो भी हम अनसप्लैश में जाते हैं। ये मतलब हम अगर सिर्फ नेचर की पिक्चर या किसी भी टाइप की पिक्चर्स लगाना चाहते हैं वो भी हम अनसप्लैश जो सोर्स वाली थी उससे हम इजीली उसको पिक कर सकते हैं। हम इस वेबसाइट में जाएंगे, तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास एक साइज वाली भी आ गई है कि ये मतलब हमारे पास एक लिखो हुआ है 16x900, तो ये हमारे पास साइज है, इसको भी हमारे पास सेट कर देगा। मतलब हम इस तरह भी इन पिक्चर को उठा के लगा सकते हैं। जैसे ये नेचर की पिक्चर है तो इसके अंदर जस्ट नेचर की पिक्चर्स आएंगी और कोई पिक्चर ऐड नहीं हो सकती। हम इस लिंक को वहाँ पे कॉपी करके देखते हैं यस कोड में। आर्ट के अंदर मैं कुछ भी नेचर ही लिख देता हूँ। हमारे पास ये जो नेचर की पिक्चर्स दिखाएगा और कोई पिक्चर्स नहीं दिखाएगा। जब इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे ये देखिए सारी नेचर्स की पिक्चर दिखा रहा है वो। ये हमारे पास पिक्चर्स बड़ी आ रही है इसके साइज की वजह से आ रही है। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे साइज कर देता हूँ 400 और इसको भी मैं 400 कर देता हूँ। मैं जब इसको सेव करके ब्राउजर पे चेक करूँगा ये देखें इसने पिक्चर के साइज को हमारे पास कम कर दिया है। मैं इसको अगेन रिफ्रेश करूँगा तो पिक्चर भी चेंज हो जाएगी, उसका साइज भी चेंज कर दिया इसने। मतलब इस तरह करके हम अपनी जो पिक्चर है उसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। अगेन अपनी जो हमारे पास लेक्चर 2 वाली फाइल थी यहाँ पे अपने लिंक्स वगैरह ऐड किए थे मैं उसके अंदर आ गया हूँ। अगेन जो हमारे पास इसके बाद इमेजेस के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है ऐड लिस्ट। ये हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं जैसे मैंने वहाँ पे पहले आप लोगों को बताया था। तो हमारे पास लिस्ट 3 टाइप की होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट नेम से हमें शो कर रहा है कि इसके अंदर चीज़ें क्या होंगी, एक ऑर्डर के अंदर होंगी। अनऑर्डर के अंदर हमारे पास चीज़ें अनसीक्वेंस होंगी, मतलब उनका कोई सीक्वेंस नहीं होगा, कोई एक सिस्टमेटिक वे इनके अंदर नहीं होगी। और एक जो लास्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, ये नेम इसका बता रहा है कि चीज़ों को ये डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है, मतलब चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बताने के लिए यूज़ होती है। जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है उसके लिए हम ओएल का टैग यूज़ करते हैं, ऑन ऑर्डर के लिए UL का। जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसके हमारे पास 3 आगे एट्रीब्यूट होते हैं। फर्स्ट तो हम उसका टैग यूज़ कर लेंगे DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट के नेम से। देन जब हम लिस्ट क्रिएट करने के बाद जब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं DT के नाम से, ये हमारे पास होती है डिस्क्रिप्शन टर्म। जब डिस्क्रिप्शन टर्म बता लेंगे तो फिर हमने उसको डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब भी करना होगा, तो ये हमारे पास आ जाती है DD के नाम से। हम इसको आगे करके एक दफ़ा चेक करते हैं कि हमारे पास कैसे होती है। मैंने यहाँ पे OL टाइप किया, ये मेरे पास OL क्रिएट हो के आ गया ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, लिस्ट क्रिएट करूँगा। लिस्ट के आइटम को क्रिएट करने के लिए हम LI की कमांड यूज़ करते हैं। LI मैंने रख दिया list1, ठीक है। एक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं शॉर्टकट की, वो हमारे पास है Alt Shift और ड्रॉप डाउन। तो हमारे पास वही सेम लाइन नीचे कॉपी होके आ जाती है। तो मैं यहाँ पे list2 कर दूंगा। देन मैं क्या करूँगा कि मैं इसी को अगेन 3 दफ़ा कर लेता हूँ, ये हमारे पास list3 बन जाएगी, ये हमारे पास list4 बन जाएगी। मैं इसको सेव करके इसके पाथ को कॉपी करता हूँ
देखें, ये हमारे पास लिस्ट शो हो गई है। एक हमने ऑर्डर लिस्ट लगाई थी, तो ये हमारे पास नंबरिंग इसने शो कर दी है, 1, 2, 3, 4 के नेम्स नंबरिंग हमें शो कर दी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से नंबरिंग की जगह पे कुछ और लेके आऊँ, तो मैं ओएल के अंदर टाइप को करूँगा कि हम टाइप लेके आ रहे हैं। टाइप हमारे पास ये उसने मेंशन कर दिया है, 1 होती है जो हमारे पास 1, 2, 3, 4 शो हो रही है। देन एक हमारे पास अल्फाबेटिकल आ जाता है, ए कैपिटल आ जाते हैं और स्मॉल आ जाते हैं, हम इनको भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं स्मॉल को जब करता हूँ तो मैं इसको सेव करके जब ब्राउजर पे चेक करूँगा, यहाँ पे मेरा 1, 2, 3, 4 था, वहाँ पे अब हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट आ गए हैं स्मॉल के अंदर ABCD, क्योंकि मैंने ये वाली इसकी टाइप लगा दी थी। अगर मैं ये टाइप इसकी कैपिटल के साथ लगाता हूँ और मैं इसको जब सेव करके चेक करूँगा, ये मेरे पास कैपिटल के अंदर शो कर रहा है। तो आप किसी भी टाइप में जिसमें आप रखना चाहते हैं, लेकिन डिफॉल्ट जो हमारे पास होते हैं 1, 2, 3 होते हैं, अगर हम कोई भी टाइप नहीं लगाएंगे तो हमारे पास 1, 2, 3 के अंदर शो कर देगा, जैसे हमने पहले किया था। ये डिफॉल्ट होता है इसका मेथड VS कोड का। जब हम ऑर्डर लिस्ट कर लिया, ऑर्डर लिस्ट के बाद हम करते हैं अनऑर्डर लिस्ट, उसके लिए हम UL यूज करते हैं, UL का टैग। UL के टैग के अंदर हम क्या करेंगे, सेम वही लिस्ट आइटम लेके आएंगे, LI, चाहे हम OL यूज कर रहे हैं चाहे हम UL यूज कर रहे हैं, जो भी लिस्ट यूज कर रहे हैं उसके अंदर LI सेम होगा। LI हमारे पास होता है लिस्ट आइटम को शो करवाने के लिए कि हम कौन सी लिस्ट आइटम को आगे शो कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सेम नेम रख देता हूँ, लिस्ट 1, सेम वही Alt Shift और ड्रॉप डाउन के थ्रू इसको ड्रॉप कर लूंगा 4 times, और मैं भी इसकी नंबरिंग यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं इसको सेव करके चेक करता हूँ, ये मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट आ गया, इसमें हमारे पास नंबरिंग नहीं आई, इसमें हमारे पास उसने क्या दे दी है, डॉट्स वगैरह दे दी है। तो इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स को आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी बेसिक्स टाइप्स होती हैं हम आगे CSS के अंदर जाके देखेंगे कि इसके हमारे पास कौन कौन सी टाइप होती हैं। टाइप वो हम CSS में जाके देखेंगे, सिंपल एक दफा आप देख लें कि मतलब जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होगी उसके अंदर चीज़ें सिंपली शो होती हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होगी उसके अंदर एक ऑर्डर के साथ शो होती है। जब ये दोनों हो जाएंगे तो एक हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास बचती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। हम पीछे मैंने आपको बताया भी था डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, DL से डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ जाएगी। देन उसके अंदर हम आगे टर्म्स लेके चलेंगे, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट की DL, हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ गई। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बाद हमारे पास क्या था, DT था। DT किसको शो कर रहा था, डिस्क्रिप्शन टर्म को। मैं DT यहां पे दूंगा, हमारे पास आ गया डिस्क्रिप्शन टर्म। डिस्क्रिप्शन टर्म के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेट्स सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं ऑरेंज, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बाद हम इसको डिस्क्राइब करते हैं DD के थ्रू। DD हमारे पास क्या आ जाती है, ये देखें, ये मतलब चीज़ों को एक डिस्क्राइब करने के लिए ऑरेंज आया, एक हेडिंग जिसे हम कह सकते हैं एक टाइप, देन उससे वो आगे डिस्क्राइब कर रहा है दिस इज़ अ फ्रूट। हम मतलब इस तरह किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो लिस्ट यूज़ करते हैं वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, DL के नाम से हम इसको मतलब शो करते हैं। ये थे हमारे पास 3 लिस्ट, हम इन लिस्ट को लिस्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट को कैसे यूज़ कर लेंगे। हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर को यूज़ करते हैं, अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर लिस्ट को यूज करते हैं, तो ये सारा एक कंप्लीट प्रोसेस है, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे इसका। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि मतलब हमने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं P के नेम से,
अब हमने पैराग्राफ 100 वर्ड्स का करना है, तो मैंने कल आपको बताया था आप एल ओ आर ई एम लिखेंगे, इसके आगे आप 100 लिख दें। हमारे पास उसने 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ क्रिएट करके दे दिया है, मतलब हमें अब 100 वर्ड्स खुद से लिखने नहीं पड़ेंगे, उसने हमें खुद ही क्रिएट करके दे दिया। मैं इसको सेव करके जब चेक करता हूँ ब्राउजर पे, तो ये हमारे पास 100 वर्ड्स कंप्लीट आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से कुछ वर्ड्स को मैं बोल्ड करूँ, कुछ को मैं अंडरलाइन करूँ, कुछ को मैं इटैलिक करूँ। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एमिट का वर्ड है, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। बोल्ड करने के लिए हम कौन से यूज़ करते हैं, बी भी यूज़ कर लेते हैं, बी हमने यूज़ किया, मैंने यहाँ से एमिट को कट किया, मैंने इसके अंदर बी में जाके इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं जब सेव करके चेक करूँगा, तो ये चेक करें कि हमारे पास जो एमिट का वर्ड है ये वाला, ये हमारे पास बोल्ड हो के आ गया, बाकी हमारे पास वर्ड सिंपल के सिंपल हैं। तो एक तो हम बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, इसका एक इसका दूसरा मेथड भी है, वो हम ट्राई करके देखते हैं कि वो इसका कौन सा मेथड है। वो हम कमांड यूज़ कर सकते हैं स्ट्रोंग की, तो इसके थ्रू भी हम इसको मतलब कर सकते हैं। एमिट में हम स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं, मैं एमिट को यहां से कॉपी करूंगा या कट करके मैं स्ट्रॉन्ग वाला जो हमने अभी टैग यूज किया था इसके अंदर पेस्ट करके जब सेव करके देखूंगा, तो इसने मुझे सेम शो करवाया, एमिट हमारे पास सेम वैसे का वैसे बोल्ड आ गया। तो मतलब आजकल जो एक टेक्निक यूज हो रही है वो बोल्ड की जगह पे हम स्ट्रोंग के टैग को भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे ये सिट का वर्ड है, हम इसको क्या कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक के लिए हम आई की कमांड यूज करते हैं, यहाँ पे आई की कमांड यूज कर लेता हूँ, मेरे पास आई की कमांड आ गई है। मैं सिट को यहाँ से कट करूंगा, मैं आई के अंदर जाके पेस्ट करूंगा, तो हमारे पास इसके भी फॉर्मेट को चेंज कर देंगे जब हम ब्राउजर पे जाके इसको चेक करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास सिट था, बाकी वर्ड्स सेम की सेम लिखे हुए, इसने इसको थोड़ा इटैलिक कर दिया। तो हमारे पास इस तरह करके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आ जाती है कि हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट होता है, कि हमारे पास सब स्क्रिप्ट होता है। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, हम फार्मूलाज के लिए भी इनको यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट यूज करके देखते हैं, हम सबसे मतलब मेंशन करते हैं। अब हमने अगर मैंने फार्मूला लिखना है वाटर का H2O, तो मैं जो इसके टैग है इसके अंदर 2 लिखूंगा, इसके मैं आउटर साइड पे H लिख दूंगा, H बन के आ गया H2, यहाँ पे मैं O कर दूंगा। इसको जब सेव करके चेक करता हूँ, तो ये मेरे पास इसने मतलब सुपर था तो इसने ऊपर शो कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको सब कर देता हूँ तो ये हमें बॉटम में शो कर देगा, फिर हमारे पास एक फार्मूला भी इसका कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास हमने सब किया था, इसने सबस्क्रिप्ट कर दिया, उसको नीचे लिख दिया। अगर हम सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो हम सबका यूज़ करेंगे, उसके लिए उसको मतलब पावर के अंदर उस चीज़ों को ऐड कर देगा। ये हमारे पास आ गया है मतलब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। लास्ट हमारे पास जो आज का मेन टॉपिक था वो है टेबल क्रिएट करना, कि हम इसके अंदर टेबल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। टेबल के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक टेबल हेड होता है, दूसरा टेबल बॉडी होती है। टेबल हेड के अंदर हमारे पास टेबल की चीज़ें आ जाती हैं, और जो टेबल बॉडी होती है जो उसके अंदर बॉडी के अंदर हम चीज़ें करते होते हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे पहले आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ टेबल की। ये देखिए, ये हमारे पास एक टेबल शो हो रहा है, ये टेबल का हमारे पास
हेड है जो मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास अगर हम टेबल हेड का टैग यूज कर लेंगे हमारे पास ऑटोमेटिकली ये बोल्ड आ जाएगा। कुछ लोग इसको बॉडी के अंदर ही यूज करते हैं और वो सिंपल इसको बोल्ड कर देते हैं, हम वो नहीं करेंगे, मतलब एक कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू करेंगे। ये हमारे पास हेडर आ गया, देन उसने एक रो क्रिएट की जिसके अंदर उसने नेम दे दिया मोहम्मद उस्मान, देन उसने दूसरी रो क्रिएट की उसके अंदर आ गया आतिफ असलम, देन उसने एक रो क्रिएट की, यहाँ पे दो रो क्रिएट की हुई थी बल्कि दो कॉलम थे, एक ये कॉलम था एक ये कॉलम था, यहाँ पे कॉलम एक आ गया लेकिन उसके अंदर जस्ट नेम लिखा हुआ है। तो ये भी हम अभी करके देखते हैं कि हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टेबल के लिए हम जस्ट टेबल का यूज करते हैं टैग, टेबल के टैग को जब हमने यूज किया है तो हम यहाँ पे मैंने बताया था दो चीजें आती हैं, टेबल हेड और टेबल बॉडी। तो टेबल हेड के लिए टी एच लिखेंगे तो हमारे पास टेबल हेड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेबल हेड के बाद हमारे पास हम टी बॉडी को लेके आएंगे टेबल की, तो हम टी बॉडी लिखेंगे बी तो हमारे पास टेबल बॉडी का टैग आ जाएगा। टेबल आया हमारे पास एक सीक्वेंस के साथ, फिर टेबल हेड आया। अब जब हम टेबल हेड में आएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखें यहाँ से, यहाँ पे एक रो क्रिएट हुई हुई है, हम यहाँ पे भी एक रो क्रिएट करते हैं टी आर के नेम से, रो क्रिएट हो गई। अब उस रो के अंदर हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, दो हेड आ रहे हैं, तो हम टी एच यूज करते हैं टेबल हेड, उसके अंदर हम रख देते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, हमारे पास एक टेबल हेड हो गया। ये देखिए मैंने टी आर एक ही यूज किया, मतलब एक ही रो के अंदर ये दो हेड आ रहे हैं, तो आपने इस चीज को इसी का ख्याल रखना है। देन मैं कर देता हूँ लास्ट नेम, अगर मैं इसको सेव करके चेक करता हूँ, नहीं इस लेक्चर के अंदर, तो ये देखिए मेरे पास फर्स्ट नेम आ गया और लास्ट नेम आ गया, ये ऑटोमेटिकली बोल्ड आ गए। क्यों बोल्ड आए, क्योंकि मैंने वहां पे जिस टैग के अंदर यूज किया था वो टैग था टेबल हेड के नेम से, तो हेड मतलब उसको पता चल गया कि हमने ऑटोमेटिकली इसको बोल्ड करना है। ये तो मेरे पास आ गया हेडर के अंदर। नेक्स्ट मैं जाता हूँ टेबल बॉडी में, टेबल बॉडी में मैंने सेम क्या करना है, उसी तरह मैं रो क्रिएट करूंगा टी आर के थ्रू। ये रो क्रिएट फर्स्ट रो मैं इसको क्रिएट करने जा रहा हूँ, मैंने ये वाला प्रोसेस कर लिया है, अब मैं इस रो को क्रिएट करने जा रहा हूँ जो मेरे पास मोहम्मद उस्मान वाली है। अब इसको मैंने जब क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, टी आर मैंने ले लिया है, मैं इसके अंदर क्या रखूंगा टी डी। अब हमारे पास टेबल डाटा आएगा, अब टेबल हेड हमारे पास नहीं आएगा, टी डी के अंदर मैं रख देता हूं मोहम्मद, हमारे पास एक आ गया टेबल डाटा। दूसरा मैं क्या करता हूँ, दूसरा क्रिएट करता हूँ टी डी, इसके अंदर मैं रख देता हूँ उस्मान, इसको अब सेव करते हैं, जाके अपने ब्राउजर पे चेक करते हैं, वाला हमारा था। ये मेरे पास मोहम्मद उस्मान भी शो कर रहा है, फर्स्ट नेम के नीचे सेम मोहम्मद आ गया, लास्ट नेम के नीचे उस्मान आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, नेक्स्ट हमने आतिफ असलम का नेम लिखना था यहाँ पे। एक रो खत्म होगी, इस रो के अंदर हम नहीं कर सकते, अब हम इससे नीचे आएंगे, हम अगेन दूसरी रो क्रिएट करेंगे टी आर के थ्रू, इसके अंदर फिर हमने वही टी डी करना है, टेबल डाटा, टेबल डाटा क्या रखना है, एक में आतिफ रख दिया, दूसरे में हमने असलम रखना है, टी डी असलम। हम इसको जब शो करते हैं ब्राउजर के ऊपर, हमारे पास ये हमारा टेबल हाफ से ज्यादा कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या था, कंप्लीट एक लाइंस वगैरह लगी हुई थी, एक कंप्लीट मतलब सीक्वेंस बना हुआ था, यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जो हमने टेबल का टैग यूज किया था ना, इस टैग के अंदर हम बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर हम क्या लगाएंगे, बॉर्डर में रख देता हूँ इसका टू, इसको जब मैं सेव करके चेक करता हूँ, सेम हमारे पास वही प्रोसेस आ गया है, वही मेरे पास फर्स्ट नेम का एक कॉलम बन गया, उसके अंदर मेरे पास आ गया फर्स्ट नेम में मोहम्मद और आतिफ, लास्ट नेम का कॉलम बन गया उसमें वही मेरे पास सेम आ गया है मोहम्मद, और सेकंड नेम का क्या आ गया, सेकंड रो का हमारे पास असलम आ गया है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ की हुई थी,
कि मैंने इन दो कॉलम को अब खत्म करके मैंने जस्ट एक रो बनाई हुई थी। यहाँ पे जो रो थी ये दो रो क्रिएट हुई हुई थी और दो कॉलम थे, यहाँ पे एक रो है। तो अब ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए जो हम चीज़ यूज़ करते होते हैं, मतलब सेम हम बॉडी के अंदर ही रहेंगे, बॉडी के अंदर रह के हम टेबल रो क्रिएट करेंगे। टेबल रो क्रिएट कर ली, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन। अगर हमने रोज को ख़त्म करना है ना, अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये दो, अगर ये लाइन सेम इसी तरह नीचे आती नेम के बिटवीन में, तो मेरे पास क्या थे, यहाँ पे भी दो, एक कॉलम होता, यहाँ पे भी एक कॉलम होता। तो मैंने अब यहाँ पे कॉलम को ख़त्म किया है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल स्पेन लगाया है। तो मैं यहाँ पे भी कॉल स्पेन करके देखता हूँ, कॉल स्पेन किस लिए यूज़ होता है हमारे पास, कॉल को ख़त्म करने के लिए। मैंने यहाँ पे कॉल स्पेन लगाया, कॉल स्पेन में कितने के लिए लगा रहा हूँ, मैं टू के लिए लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आगे नेम रख दिया, नेम का इसको जब सेव करके चेक करता हूँ इस वाले ब्राउजर को, सॉरी ये नेम को ऊपर लेके जा रहा है, हमने इस चीज को अब यहाँ से सेट करना है। इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया, क्यों डिफरेंस नहीं आ रहा, ये हमारी एक मिस्टेक ये थी कि हमने टेबल रो को अलहदा करके उसके अंदर टेबल डाटा देना था, हमने टेबल डाटा के अंदर हम कॉल स्पेन लगाएंगे। अब कॉल स्पेन मैंने लगा दिया टू का, यहाँ पे मैं रख दिया नेम। अब मैं जरा इसको चेक करता हूँ, ये देखें ये मेरे पास दो कॉलम ख़त्म हो गए, लेकिन अब मेरे पास क्या आ गया कि नेम मेरे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये सेंटर में नहीं आ रहा, बाकी सारा प्रोसेस हमारा सेम हो गया है। यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट में एक रो थी, कॉलम एंड थे, ये भी हमारे पास एक रो बन गई, कॉलम एंड हो गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलाइन कर देंगे सेंटर, अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर करके इसको सेव करके चेक करेंगे। ये देखें सेम हमारे पास वही प्रोसेस बन गया जो यहाँ पे बना हुआ था। तो मतलब इस तरह करके हम किसी भी टाइप के टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने जस्ट कॉल स्पैन वाला किया था, मतलब हमने कॉलम को ख़त्म किया था। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम नेस्टेड लिस्ट को यूज़ करेंगे कि लिस्ट के अंदर लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और दूसरा मतलब हम कॉल स्पेन रो स्पेन को यूज़ करते हुए कैसे एक कंप्लीट टेबल बनाते हैं, तो ये सारा प्रोसेस जो हमारा होगा ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा। आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। इसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं इसमें, ये तो अपने वन बाई वन क्वेश्चन करते जाएँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन था जो सॉरी प्रीवियस हो गया उसमें था या इसमें है तो बता दें, फिर किसको कुछ समझ ना आया इस बारे में। और इसकी जो असाइनमेंट है वो आपने ये करना है कि आपने मुझे एक टेबल क्रिएट करके देना है, उसके अंदर आपने तीन हमारे एक टेबल का हेड होना चाहिए, अपनी मर्जी का हेडर रख लें आप, देन नीचे तीन रोज होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे टू रोज रखी थी, वन टू, आपके पास थ्री रोज होनी चाहिए, थ्री रोज, और मेरे पास टू कॉलम थे, आपके पास थ्री कॉलम होने चाहिए, क्योंकि कुछ आपने न्यू करना है, ये सेम यही तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी ना, सेम कॉपी पेस्ट करनी, तो आप नेम चेंज करके इसके अंदर से डाटा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपने तीन यहाँ पे कॉलम क्रिएट करने हैं, मैंने दो किए थे, आपके पास तीन होने चाहिए, ये तीन आपके पास रोज होनी चाहिए, और लास्ट में आपने इस तरह का कुछ भी यहाँ पे लिख देना है कॉल स्पेन करके। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप ग्रुप में भी मैंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे बनाते वक्त चाहे आप बना के दिखा दें, कुछ मिस्टेक्स होंगी मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो अगर अब आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हो।
किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है? किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कुछ का क्वेश्चन नहीं है लेकिन जिनके क्वेश्चन है वो इजीली पूछ सकते हैं, इसमें कोई मतलब। किन के कलर्स की बात कर रहे हैं आप? ये हम कोडिंग कर रहे होते हैं, कलर्स ऑटोमेटिकली आते हैं, या आप मतलब टेबल के अंदर जो कलर देते हैं उनकी बात कर रहे हैं? टेबल के अंदर जो डाटा लिखे हैं उनके कलर्स की बात कर रहे हैं, जो कोडिंग कर रहे हैं उनके जो कलर्स आते हैं उनकी बात कर रहे हैं? सेल में मैंने आपको बताया कि जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो एक टेबल्स के ऊपर होगा और नेस्टेड लिस्ट के ऊपर होगा, तो उसमें मैं इन दोनों चीज़ों को कवर कराऊंगा कि आपने सेल के अंदर उनको कैसे कलर करना है। एक कंप्लीट सेल को कलर करने का तरीका भी बताऊंगा कि मतलब हम डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हैं सेल को, तो सारा प्रोसेस हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है। अगर अभी एक ही दफ़े में सारी चीज़ें करवा देता तो चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। अभी मैंने जस्ट आपको टेबल क्रिएट करना बताया है कि आपने टेबल को क्रिएट कैसे करना है, नेक्स्ट में हम सारा कुछ देखेंगे मतलब हमने इसको कैसे करना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं इस सेशन को। इसके बाद आप लोगों का फेसबुक पर भी लाइव सेशन है, आपने वो भी जाकर अटेंड करना है, तो जिसका कोई क्वेश्चन है वो अभी पूछ लीजिए। आई थिंक आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा, तो फिर हम इस सेशन को एंड कर देते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।